कैसे हैं दोस्तों? हाय एवरीवन, वेरी कूल इवनिंग, क्योंकि आज थोड़ी सी गर्मी है। रोशनी, गौरव, सैफी जी, विकास, निकिता शर्मा जी, कैसे हैं आप दोस्तों? वेलकम टू लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम। मैन गुरु दुबे आप सभी लोगों का इंडिया के लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है दोस्त आप लोग कुशल मंगल होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? 2014 तक के मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ जो डायरेक्ट आपसे पूछे गए हैं, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं आपसे, अलग से कुछ भी नहीं पूछा। ठीक है, चलो उन क्वेश्चंस के डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। जैसे कि ये हमारी टीम है जो एमपीपीएससी और व्यापम के सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपके लिए टू द पॉइंट करवाती है। हमारी टीम के थ्रू आप एमपीपीएससी और एमपीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स लिए जाते हैं उनकी प्रिपरेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं हमारे साथ। तो ये कुछ मेरे बारे में जानकारी है, आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी सिलेक्टेड एक एग्जाम को क्रैक कर रखा है, इसीलिए दोस्त आपको एग्जाम को क्रैक करने के तरीके बता सकता हूँ। तो मेरा नाम अंकुर दुबे है, डॉक्टर हरिसिंह और यूनिवर्सिटी से मैंने यूजी और पीजी किया हुआ है। 5+ ईयर से प्लस का टीचिंग एक्सपीरियंस हो रहा है और अभी तक जो आप लोगों के साथ इतना मेरा 10 लाख का परिवार हो चुका है लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम में, वो उन सभी लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने टीच किया हुआ है। तो दोस्त आप हमारे जितने भी वीडियोस हैं जो कि हमारे लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम पर आते हैं उनकी लिंक आपको इन दो चैनल्स पर मिल जाएंगे, लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम और अभियान। ये हमारे यूट्यूब और इसके साथ साथ इसी नेम से यूट्यूब के अलावा हमारे टेलीग्राम पर चैनल है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले ज्वाइन कर लो, क्लास शुरू होने के पहले आपको वीडियो लिंक इन्हीं चैनल्स पर अवेलेबल होंगे। इसके बाद अनअकैडमी अगर आप ज्वाइन करते हो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फायदे होंगे। आप सभी लोग जानते हो लास्ट ईयर मेरा इंटरव्यू भी था, ठीक है, किस तरह से मैंने अपने 75 के आसपास स्कोर किया था मैं आपसे वो चीज शेयर करता हूँ। देखो दोस्त, पीएससी क्रैक करने की एक की होती है, वो होती है केवल एमसीक्यू। जितने ज्यादा एमसीक्यू लगाओ, ऐसा नहीं कि आप केवल एमसीक्यू एमसीक्यू खेल के पीएससी क्रैक कर लो। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, लूसेंट से पढ़ रहे हो, जो भी आप बुक आप पढ़ रहे हो उसको पढ़ो और फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करो। जैसे मेरी आज क्लास में, आज हम वन्य जीव के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो वन्य जीव में आपको मैं आज अभ्यारण पढ़ाऊंगा, पिछले साल 2014 तक क्या क्वेश्चन आए हैं इनको मैं आपको साथ में कवर करा दूंगा। अब अभ्यारण से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू की बुक ले लो। मुझे पता है आप लोग बहुत कंफ्यूजन में हो रहे हो, बुक्स कौन सी लो, अरे कोई भी ले लो भैया, ठीक है, लूसेंट ले आओ, जो भी एमसीक्यू की बुक लेनी ले लो, पर जो आप पढ़ रहे हो उसके टॉपिक्स आप क्या करो, वहां पे तुरंत ही एमसीक्यूज लगाओ। आप सभी लोगों के लिए एक इतनी प्यारी गुड न्यूज दे रहा हूँ, मेरे नोट्स आपके लिए 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएंगे। इन नोट्स की खासियत ये रहेगी कि साइड में मैंने कॉलम बना दिया है, ठीक है, कॉलम कैसा बना दिया है कि मेरी पीडीएफ की पीडीएफ आपको मिलेगी, साइड का कॉलम रहेगा, वहां आपको कुछ बुक से, लूसेंट से, पुणे करे, जो भी बुक आप पढ़ते हो जानकारी मिले, साइड में लिखते जाओ। आपको नोट्स अलग ही नहीं बनाने, सीधी जाना, प्रिंट आउट लेके आना, साइड का कॉलम खाली है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी जानकारी मिले, जो भी एमसीक्यू लगाओ साइड में लगा लो। तो दोस्त ये चीज आपके लिए मैं एक नई लेके आया हूँ। आज रात तक कोशिश है मेरी आपको यूनिट 1 के जो हमारे 7 लेक्चर्स हो चुके हैं, 7 या 8, उसकी पीडीएफ आज रात तक आपके पास पहुंच जाएगी। एमसीक्यू के लिए दोस्त आपको ज्वाइन करना है हमारी टेस्ट सीरीज जो की डेली क्लास पर हो रही है, ठीक है, सॉरी स्पेशल क्लास पर हो रही है, तो वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करो, तुरंत डाउनलोड करने के बाद आप उनको ADYT कोड से अनलॉक करो। कोई भी वीडियो देख रहा हो तो सबसे पहले मेरा कोड लगेगा, वहां पे आप अनलॉक करिएगा। 2 साल 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना है, उसमें भी आप मेरा कोड यूज करके तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अनअकैडमी का, ठीक है। ये कुछ मेरे कोर्सेज हैं, 75 दिन में पूरा का पूरा प्रीलिम्स आपके लिए कराया जाएगा, दिखा के पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज कंप्लीट करा रहा हूँ। 11 बजे हमारी क्लास होती है यूट्यूब पर, ठीक है, उसके आज 7 लेक्चर हो चुके हैं। आज इसका हमारा 4 बजे जो क्लास चल रही है इसका भी दोस्तों 4th-5th लेक्चर है। इस तरह से सिक्वेंस वाइज हम पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर रहे हैं। 1000 MCQs हम पढ़ने वाले हैं। ये सुबह क्लास होती है 9 बजे, आपको इस क्लास को भी ज्वाइन करना है, एप्लीकेशन पर होती है, बहुत अच्छी क्लास है। आज हमने अप्रैल तक के करंट अफेयर्स कर लिए, कल हम मई, जून, जुलाई, ऐसे करके पूरा का पूरा हम ये करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं इस क्लास के थ्रू कर रहे हैं लोग, ठीक है। अब आपकी ये बात की बारी उन लोगों की जिनकी तैयारी है, ठीक है, उन लोगों को जिनको रिविजन क्लासेस चाहिए, या फिर ऐसे आप मेरे प्यारे भाई बंधु जो जल्दी से जल्दी तैयारी करना चाहते हो, आप लोगों के लिए एक क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ये वो क्लास है जिसमें आपको टॉपिक दे दिया जाता है, आपको टॉपिक दे दिया, जैसे आज का टॉपिक है भारत के प्रमुख नदी बांध कौन कौन से हैं, ठीक है, झीलें और जलप्रपात, आज का आपका ये वाला टॉपिक है। अब आपको क्या करना है, इस टॉपिक को पढ़ लेना है, कोई भी बुक, लूसेंट, जो भी आप पढ़ते हो ये टॉपिक पढ़ो, मेरे साथ आके लगभग 70-80 क्वेश्चन इसके सॉल्व करो,
कल का टॉपिक है भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं और साथ साथ भारत की जलवायु, ये आपका कल का टॉपिक है परसों का। इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस है आपकी, आपने पढ़ रखा है, तो यहाँ पे आप मेरे साथ इस एमसीक्यूज को कर सकते हो, जो कि इस क्लास के तुरंत बाद होता है। 5:30 बजे के एमसीक्यूज का टाइम है, 4:45 तक हमारी ये क्लास चलती है, 15-20 मिनट का ब्रेक के बाद हमारी वो वाली क्लास शुरू हो जाती है। तो 5:30 पे आपको डेली ये क्लास मिलेगी। बहुत जल्द कोशिश है मेरी कल से ही आपको एमसीक्यूज की क्लास अवेलेबल करा दूं मध्य प्रदेश, ठीक है। कोशिश है मेरी कि मैं टॉपिक वाइज कराऊं आपको, अगर होगा टॉपिक वाइज तो आज मैं आपको भेज दूंगा, नहीं तो कल से विदाउट टॉपिक में तो ये क्लास में स्टार्ट कर ही दूंगा। तो कल से ये वाला सेशन आपका स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे टॉपिक, मध्य प्रदेश के वन पूरा पढ़ा दिया, ठीक है। चारों टाइप भी बता दिए इसके, 3 टाइप 4 टाइप, फिर वनोपज बता दिया, लघु क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे दोस्त वन्य जीव, वन्य जीव पढ़ेंगे। अब आप सोचोगे कि सर वन्य जीव को किस तरह से पढ़ा जाता है, देखो मैं बताता हूँ वन्य जीव को कैसे पढ़ा जाता है, ये टॉपिक कैसे कवर होगा। देखो दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में हम जानते हैं, ठीक है, बारह सिंगा, ठीक है, मूर सिंह, दिबुंदेला, मैस्कॉट हमने बना दिया। तो ऐसे जीव जिनको हमने अलग अलग जगह पर क्या करके रखा हुआ है, संरक्षित कर रखा है। जैसे सोनचुरैया घाटी के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर हमारे कुछ यहाँ पे मध्य प्रदेश के ऐसे 6 उद्यान जो आते हैं। तो हमें क्या करना है, वन्य जीव को जो पढ़ना है तो वो हम उनको राष्ट्रीय उद्यान और उसके साथ साथ जो अभ्यारण्य होते हैं, मतलब नेशनल पार्क और सेंचुरीज के साथ रिलेट करके हम आज उनको पढ़ेंगे। तो वन्य जीव से संबंधित एमपीपीएससी ने आपसे क्वेश्चंस क्या पूछे हैं इसके बारे में पहले हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्त, राजमार्ग के क्वेश्चन 2 बार पूछे गए हैं एमपीपीएससी में। एक बार क्वेश्चन आया है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से गुजरता है, एक ये क्वेश्चन आया। हालांकि हम इसको किसमें डिस्कस कर लेंगे, परिवहन वाले टॉपिक में, परिवहन भी पढ़ना है ना आपको, 2 क्वेश्चन आए, तो इसको हम क्या करेंगे, परिवहन बारे में आपको डिस्कस करके बताऊंगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो जो 2018 में आया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, ठीक है। अब देखो वन्य जीव पढ़ रहे हैं हम, अब आप कुछ में से आप लोग ये होंगे कि सर वन्य जीव पढ़ाना है तो आप मुझे राष्ट्रीय उद्यान क्यों पढ़ा रहे हो, गाना मुझे पता है, मंडला मुझे पता है, मैं जानता हूं कि डायनासोर क्या होते हैं, जीवाश्म क्या होते हैं, आई नो वेरी वेल, है ना, आप क्यों पढ़ा रहे। तो भैया वन्य जीव को हम यहाँ पे नेशनल पार्क से रिलेट करके पढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन आपका 2018 में आप पूछा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस चीज के लिए प्रसिद्ध था, मैंने नहीं बनाया क्वेश्चन, एमपीपीएससी ने बना के आपसे ही पूछा है 2018 में, बताइए दोस्त इसका आंसर, टाइगर्स हम सभी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, 2016। सीधा क्वेश्चन आपसे रिलेट करके पूछा है। अब देखो सुनना मेरी बात, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस चीज को फेमस है, हो सकता है वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि कान्हा को राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया, या वो कब अभयारण्य बना था, या अभयारण्य बनने के पहले वो क्या हुआ करता था, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को कब यहाँ पे संरक्षित किया गया था अंग्रेजों की खेल मंडली के रूप में, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है आपसे, कान्हा में ऐसे कौन से 2 अंग्रेज थे जिन्होंने किताब लिखी हुई थी अलग अलग, कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पे आपसे रिलेटेड वो कान्हा केसरी से पूछ सकता है, क्योंकि जब एक क्वेश्चन आया है तो दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। 2014 का एक और क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, 2014 में, सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 2014 में एक और क्वेश्चन आया माय डियर फ्रेंड, वो कौन सा है, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहां पर, ये भी 2014 का ही क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देखो वन्य जीव हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है पढ़ना, क्लियर हुआ, कैसे हम पढ़ेंगे यहां पे वन्य जीवों को, क्लियर ना सभी को, ठीक यू एवरीवन। चलिए तो अब मैं आगे इसको हम कवर करते हैं वन्य जीव में। अब हमें देखना क्या है, एक एक करके सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान को हम यहाँ पे कवर करेंगे। पीडीएफ आज मिल जाएगी, आप लोग चिंता मत करो पीडीएफ की, मुझे पता है आज आपको पीडीएफ अवेलेबल करानी है दोस्त, आज हर हाल में मैं आपको पीडीएफ करा के दूंगा, सुनो मेरी बात। अब हमें क्या पढ़ना है, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ना है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस चीज के लिए फेमस है, और उस राष्ट्रीय उद्यान में हमें क्या क्या डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो 2019 में अगर हम देखें, ठीक है, तो हमारे पास 11 राष्ट्रीय उद्यान है, अभी 2 राष्ट्रीय उद्यान और जो बनने वाले हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे यहाँ पे, कौन कौन से ऐसे राष्ट्रीय उद्यान है जो साथ में अभयारण्य के साथ मिले हुए हैं,
उनके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। एक एक करके मैं सारी की सारी चीजें आपको डिटेल से बताऊंगा आज राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, ठीक है। तो ये जो 11 राष्ट्रीय उद्यान है, अब इनको हम यहाँ पे डिटेल से एक एक करके कवर करने वाले हैं। तो जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, कोड ADYT यूज करके सब्सक्रिप्शन जरूर लेना जब भी आप अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करें। तो ये कुछ आपके सामने दोस्त यहाँ पे एक लिस्ट है, इस लिस्ट में हम देखते हैं कान्हा हो गया, बांधवगढ़ हो गया, माधव, ठीक है, पन्ना हो गया, संजय गांधी हो गया, ठीक है, पेंच, सतपुड़ा, ये उनके हमारे एक लिस्ट के बाजू में जिले ले रख रखे हैं कि काला कहाँ पर है, तो मंडला आ जाता है, उमरिया, कटनी, ये इनके एरिया है। और इसके साथ साथ कुछ मुख्य प्राणी हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। अब हमें पढ़ना क्या क्या, एक एक करके हम डिटेल से देखेंगे कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में से कौन सी चीज फेमस है, ठीक है, क्या क्या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में हुआ, हर एक चीज को अब हम यहाँ से डिटेल से दोस्तों यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ये हो गए हमारे 7 राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद आपके 4 राष्ट्रीय उद्यान और बचते हैं, तो वो है वन विहार, जीवाश्म, डायनासोर और पालनपुर। आज मैं आपको जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है उसकी हिस्ट्री भी बता दूंगा, कौन से ऐसे अंग्रेज थे जिसने सबसे पहले डायनासोर के अवशेष खोजे, फिर कौन से ऐसे हमारे भारतीय आए 1923 में जिन्होंने उन डायनासोर के अंडों की पहचान करी, ठीक है, सब चीजें आज हम यहाँ पे कवर करेंगे धीरे धीरे से। ओके, शुरुआत करते हैं हमारे मध्य प्रदेश, ना केवल मध्य प्रदेश और ना केवल भारत बल्कि एशिया का जो सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है वो है दोस्त हमारा कान्हा केसरी से। तो शुरुआत होती है हमारी राष्ट्रीय उद्यानों की, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपके लिए मंडला और बालाघाट साइड मिलेगा, ये हमारे जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों में से आपको एक जो माना जाएगा वो माना जाएगा कौन सा, हमारा कान्हा केसरी जिसको हम बोलते हैं। अब मैं अगर आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊं, ठीक है, ये चीज तो हम सभी जानते हैं, मंडला में या मंडला बालाघाट में आपको मिल जाएगा, ठीक है, 940 स्क्वायर फीट का ये पूरा का पूरा इसका क्षेत्रफल है, बड़ा है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊं तो दोस्त होता क्या था, 1979 के आसपास बात करूं मैं, तो जब यहाँ पे पेड़ों की बड़ी ज्यादा कटाई होने लगी, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगे, औद्योगिकरण होने लगे, तो 1879 के आसपास क्या किया गया, जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान वाला जो क्षेत्र था, उद्यान ही था उस समय, ठीक है, ये केवल जंगल हुआ करता था, डकैतों वाले हिस्से हुए करते थे, तो इसको क्या किया गया, एक आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया, ठीक है, कब किया गया, 1879 में। अब जब आरक्षित क्षेत्र घोषित हो गया, हम अंग्रेजों के कब्जे में हुआ करते थे, फिर क्या हुआ, जब अंग्रेजों धीरे धीरे अंग्रेज 20 साल बाद अंग्रेज और हमारे भारत में आने लगे और उनकी गतिविधियां होने लगी, तो 1897 से लेकर 1910 तक, या 1910 तक, या इसको हम बोले 1910 तक, ये जो कान्हा वाला आरक्षित क्षेत्र था इसको अंग्रेजों की शिकारगाह बना दिया गया, ठीक है। जितने भी जो बड़े बड़े अंग्रेज आते थे, जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा कि माधव के बारे में, ठीक है, जो हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान है, तो वहां पर एक अंग्रेज आए हुए थे, कैथल नाम था, तो उनके आने के उपलक्ष्य में 24 घंटे में वहां पे एक हमारा चार्ल्स महल बनवा दिया गया, ठीक है, ये चीज भी हम पढ़ेंगे। तो हुआ क्या, अंग्रेज बड़े शौकीन हुआ करते थे, शिकार वगैरह उनको करना है, तो लगभग लगभग आप यहाँ पर आप देखोगे 13 साल ही क्या बना रहा, अंग्रेजों की शिकारगाह बना रहा, ठीक है, बहुत लंबे समय तक रहा। फिर क्या होता दोस्त, जब पता चलता है कि पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को बहुत नुकसान होने लगा है, तो 1933 में इसको अभयारण्य घोषित कर दिया गया। क्वेश्चन आपसे इस तरह से वो पूछ सकता है MPPSC डायरेक्ट, ठीक है, जैसे अभी आपसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में उसने क्या पूछा था कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में कौन से वन्य जीव का अधिकतर संरक्षण किया जाता है, ऐसे भी पूछ सकता है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को अभयारण्य कब घोषित किया गया था, तो 1933 में, ये एक सेंचुरी या जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं अभयारण्य घोषित हुआ। और फिर दोस्त उसके बाद 1955 1 जून 1955 में इसको हमने क्या कर दिया, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया। तो आपको यहाँ पे कुछ इसके फैक्ट याद रखने हैं कि सबसे बड़ा था, ठीक है, अभयारण्य कब बना, 1933 में बना, और इसके साथ साथ 1955 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। तो ये हो गए इसके तीन फैक्ट। सबसे चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे अगर आप याद करोगे तो वो है इसका टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया। तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा गया था अभी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया, MPPSC ने पूछा था ना अभी आपसे 2016 में ये क्वेश्चन। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान था कान्हा, उसको कब शामिल किया गया था टाइगर प्रोजेक्ट, तो 1973-74 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को क्या किया गया था, टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया था। तो ये था कुछ एक छोटा सा हमारा कान्हा का विवरण। अब इसके बाद बात करते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के और डिटेल से, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो दोस्त देखिए हमारे ये प्रदेश का सबसे पहला अभयारण्य, सबसे पहला जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ, और सबसे ही पहला दोस्त यहाँ पे जो नेशनल पार्क के दर्जे में आया। ये तीनों चीजें दोस्त यहाँ पर आपको किसके बारे में पढ़नी है, कान्हा राष्ट्रीय कान्हा के बारे में पढ़नी है। और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आपसे कह रहा है वन्य जीव पूछ रहा है ना आपसे, सिलेबस में लिखा है, तो यहाँ पर जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर बारहसिंगा का तो सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, प्रिजर्वेशन।
यहाँ पर आप देख सकते हैं देखने में कितने सुंदर रखते हैं, कितने मासूम होते हैं, ठीक है। तो जो कृष्ण मृग होता है ब्रिगेडी जाति का बारहसिंगा, उसको जो यहाँ पे संरक्षित किया जाता है। आपके सिलेबस में ये चीज दे रखी है वन्य जीव, तो आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है इस तरह से कि जो कृष्ण मृग है ना, खासकर जो ब्रिगेडरी जाति का होता है, उसको निम्न में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान में जो क्या किया गया है या सबसे अधिक पाया जाता है या संरक्षित किया गया है, तो यहाँ पर आप डाल सकते हो कौन सा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये चीज आप कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ सकते हो। अब इसके बाद कुछ और अगर मैं आपको फैक्ट के बारे में बताऊं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के, तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है के फरमान, पहले एक हो गए और दूसरे हो गए आपके ब्रांडे। ये दो अंग्रेज थे, इन्होंने क्या किया है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर किताबें लिखी हैं। जैसे कि मैं आपको के फारसान के बारे में बात करूं, इन्होंने जो बुक लिखी थी वो लिखी थी हॉलैंड ऑफ सेंटर इंडिया। इसमें इन्होंने क्या किया, एक हॉलो घाटी जो कि बालाघाट में पाई जाती है उसका इन्होंने जिक्र किया था। तो के फरमान के द्वारा जो बुक लिखी गई थी हॉलैंड ऑफ सेंटर इंडिया, इसमें इन्होंने बालाघाट की एक घाटी, घाटी मतलब वैली का जिक्र करा था, इसमें जो कि किसके अंतर्गत आती थी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आती थी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। दूसरे थे एक ब्रांडेर नाम के अंग्रेज, इन्होंने भी एक किताब लिखी थी, ठीक है, वाइल्ड एनिमल इन द सेंट्रल इंडिया। इन्होंने भी दोस्तों यहाँ पे मंडला की बंजरा घाटी का उल्लेख किया था। तो इन दोनों अंग्रेजों के द्वारा जो किताबें लिखी गई है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आपसे है ना कि निम्न में के फरमान एवं ब्रांडेर के द्वारा निम्न में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान के बारे, कौन से राष्ट्रीय उद्यान का जिक्र अपनी पुस्तकों में किया गया है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इन चीजों को यहाँ पर आपको याद रखना है, इन फैक्ट को याद रखना है। अब चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट अब आपको और मैं बताने जा रहा हूँ दोस्त कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कि यह दोस्त हमारे यहाँ का ऐसा पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है जिसने खुद अपना एक शुभांकर घोषित किया। अब आप बोलोगे सर शुभांकर क्या होता है, शुभांकर मतलब दोस्त अपना एक लोगो, मैस्कॉट जिसके लिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो जो कान्हा ने जो अपना एक पर्सनल अपना मैस्कॉट बनाया है, वो बनाया है भूर सिंह दी बारह सिंगा। यहाँ देखिए इमेज भूर सिंह दी बारह सिंगा, देखा है कितना प्यारा लग रहा है और किसने प्यारे तरीके से आपको देख रहा है कि अगर आपने मुझे घास नहीं दी तो ये जो मेरे ऊपर के बारह सिंह है ये आपके लिए क्या करें। देखिए तो भूर सिंह दी बारह सिंगा सबसे पहला मैस्कॉट है ना बनाया गया, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो, कान्हा ने इसको भूर सिंह दी बारह सिंगा को बनाया, ठीक है। इसकी जो डिजाइन थी वो है ना वो रोहन चक्रवर्ती थे, इनके द्वारा जो इसकी यहाँ पे डिजाइन बनाई गई। इसके साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज और है जो आपको कान्हा के बारे में याद रखनी है, जितना भी जो सॉलिड वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट मतलब कि जो हमारा कचरा होता है ना, उस कचरे से जो खाद बनाई जाती है ऑर्गेनिक खाद, ठीक है, उसका भी प्लांट कहाँ पे लगाया गया है, तो राष्ट्रीय कान्हा केसरी में लगाया गया। इस प्रकार से जो कुछ हमारे जो फैक्ट याद करते हैं कान्हा केसरी के बारे में, एक बार फटाफट रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहला 1935 में ये हमारा अभयारण्य बना, ठीक है, 55 में ये हमारा राष्ट्रीय उद्यान बन गया, 72-73 में कान्हा प्रोजेक्ट में शामिल हो गया, दो अंग्रेज फारमान और ब्रिगेडियर ने अपनी किताबों में इनका उल्लेख कर रखा है, और फिर भूर सिंह दी बुंदेला ये इनका सबसे पहला मैस्कॉट बना है। तो इसी सिक्वेंस में आप इसको क्या करिएगा दोस्त, याद करिएगा। क्लियर हुआ कान्हा के बारे में, इसकी ट्रिक क्या मिलेगी आपको, ओके okay, चलिए। तो ये था काना, काना के बाद नेक्स्ट जो आता है सबसे, टेलीग्राम ग्रुप लेट्स करेक्ट एमपी एग्जाम है, आप उस पर मिल जाऊंगा, सारे वीडियोस मिलेंगे। अब तो आपको नए तरीके से जो मैं पीडीएफ अवेलेबल कराने वाला हूँ ना, वो भी आपको वहीं पे ही अवेलेबल होगी, एक न्यू डिजाइन की पीडीएफ मैंने अवेलेबल करी है आपके लिए। हाँ आज रात तक आपको पहुंच जाएगी, कोशिश है मेरी कि आज रात तक आपको अवेलेबल करा दूँ। प्लेलिस्ट की आप जरूरत चिंता मत करो, मैं डायरेक्ट आपको वीडियोस की इकट्ठी सारी की सारी लिंक दे दूंगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा आपको प्लेलिस्ट के लिए, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको कान्हा के बारे में बताई। अब बात करते हैं बांधवगढ़ के बारे में, ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है वो आता है दोस्त बांधवगढ़ उमरिया में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा जो शेरों का घनत्व आपके लिए मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, आपको बांधवगढ़ के अंतर्गत मिलेगा, ठीक है। भले ही ये उतना नहीं है इतना बड़ा, पर सबसे ज्यादा जो शेरों का घनत्व यहाँ, कभी गए नहीं हो तो एक बार जरूर जाना, बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बांधवगढ़ में मैं तो गया हूँ एक बार है ना 2010 में जब ट्रेनिंग पे था। तो जो बांधवगढ़ जाता है दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 32 पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है। क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ सकता है, तो बांधवगढ़ हमारा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 32 पहाड़ियां, ये जो पहाड़ियां हैं बांधवगढ़ शहडोल से होती हुई नागपुर तक जाती है,
इतने बड़े तो उस एरिया में क्या है, बांधवगढ़ का हमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो घिरा हुआ है। चलो बात करते हैं अब इसकी। तो 1968 में बांधवगढ़ को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, और इसके साथ साथ 1993 में इसको क्या किया गया था, टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत यहाँ पे शामिल किया गया था। अभी अगर मैं आपसे रिसेंटली बात करूं तो शेरों के साथ साथ दोस्त यहाँ पे हाथियों को बसाने की भी एक नई योजना यहाँ पे चालू की जा रही है। ठीक है, तो दो फैक्ट यहाँ पे आपने इसके याद रखे, एक 1968 में इसको सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, और 1993 में ये क्या हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। ठीक है, सबसे ज्यादा जो शेरों का आपको घनत्व मिलेगा वो आपको बांधवगढ़ में ही मिलेगा, 32 पहाड़ियों से दोस्त ये क्या है घिरा हुआ है। तो तीन चार कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको इसके बारे में क्या करने हैं, बांधवगढ़ के बारे में याद रखने हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें अगर मैं आपको बांधवगढ़ के बारे में बताऊं तो फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज में ये आ जाता है कि दोस्त इस उद्यान में शेर और हाथी के साथ साथ कुछ और भी ऐसी 250 प्रजातियां हैं जो पक्षियों की, जो मुख्य रूप से दोस्त आपको यहाँ मिलेंगी। कुछ आपने जो सीजनेबल बर्ड्स देखे हैं ना, जो हमेशा सीजन के टाइप से आते हैं, तो वो अधिकतर आपको यहाँ पे मिलेंगे। 250 यहाँ पे जो हमारे क्षेत्रीय पक्षियों की प्रजातियां हैं, ठीक है, वो आपको मिलेंगी। इसके साथ साथ ठीक है, जो भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि तेंदुआ हो गया है ना, भालू हो गया, घड़ियाल हो गया, इन सारे जानवरों को भी दोस्त यहाँ पे बड़े तादाद में देखा जाता है। तो ये हो गए हमारे बांधवगढ़ के कुछ अजीब गरीब और इम्पोर्टेंट जानवरों के बारे में। कुछ और फैक्ट अगर मैं बांधवगढ़ के बारे में बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्त यहाँ पे ये भी आती है कि यहाँ पर आपको बांधवगढ़ का किला भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, बांधवगढ़ का किला, और इसके साथ साथ इस किले के आसपास एक चार्जर पॉइंट करके एक जगह है। अब आप बोलोगे कि सर चार्जर पॉइंट मतलब कि क्या हम वहां पे मोबाइल चार्ज करने के लिए बनाया है क्या, कि सेल्फी पॉइंट आजकल जैसे जगह जगह बन गए, तो क्या ऐसा चार्जर पॉइंट, डेट मीन्स कि चार्ज करना है मोबाइल? नहीं मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या था, एक बहुत फेमस शेर हुआ करता था जिसका नाम था यहाँ पे चार्जर, और एक शेरनी भी थी जिसका नाम था सीता, हालांकि बाद में तो उसको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया था। तो दोस्त चार्जर के नाम पे दोस्त यहाँ पे क्या किया गया था, उसकी याद में बहुत लंबे समय तक जिया था दोस्त, वो भी लगभग 17-18 साल तक चार्जर जिया था, उसकी याद में उस जगह पे चार्जर पॉइंट बनाया गया। तो चार्जर पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा एक सीता नाम की, जैसे हमारे सागर में, आपको सागर में पता है कि यहाँ पे भी नौरा देवी में शेर और शेरनी छोड़े गए, उनका भी बड़ा अच्छा नाम लिखा गया है, शायद किशन रखा गया है शेर का नाम, और शेरनी का भी कुछ अच्छा नाम रखा गया है। दो छोड़े गए थे, अब उनके छोटे छोटे से पप्स भी हो गए है ना, 6-7 की वो फैमिली हो चुकी है। तो ये बांधवगढ़ में छोड़े गए थे। ठीक है, तो ये था हमारी बांधवगढ़ के बारे में एक छोटी सी हिस्ट्री। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा लगता है उनके भी नाम। यहाँ पे जो हाथी लाए जा रहे हैं ना, बेसिकली जो अभी स्थापना चल रही है वो कर्नाटक से चल रही है, कर्नाटक से हाथी लाने की यहाँ पे बात चल रही है अभी। हाँ, बहुत सारे हाथी लाने की बात चल रही है ना। चलो अब पढ़ते हैं कुछ माधव राव सिंधिया जी के क्षेत्र, जिसको हम यहाँ पे माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कहते हैं, जहां पे जॉर्ज कैसल का महल बना हुआ है, इसके साथ साथ NH3 जो यहाँ से गुजरता है, और इसकी जो स्थापना की गई थी है ना 1998 में की गई थी, जो कि महाराजा की पहले एक समय शिकारगाह हुआ करता। शिकारगाह मतलब कि दोस्त जैसे कि मैंने अभी आपको कान्हा केसरी के बारे में बताया था, उसी तरीके से जो माधव राष्ट्रीय उद्यान भी था वो एक समय यहाँ पे क्या हुआ करता था, महाराजाओं की शिकारगाह हुआ करता था। 1958 में दोस्त इसको राष्ट्रीय उद्यान का यहाँ पे दर्जा दे दिया गया। ठीक है, बहुत सारे जानवर है छोटे छोटे यहाँ पे, ठीक है, वन्य जीव जैसे लकड़बग्घा, भेड़िया आदि यहाँ पर आपको अधिकतर पाए जाएंगे। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको माधव राव कह रहा हूँ गलती से, माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जो आपको याद रखनी है वो ये रखनी है, सांख्य सागर झील और इसके साथ साथ माधव सागर तालाब, ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे देखने मिलेंगी। और इन तीन के साथ साथ एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है जॉर्ज चार्ल्स कैसल का महल। ठीक है, कभी अगर आप लोग गए होंगे या शिवपुरी के आसपास रह रहे होंगे, उस महल में जरूर जाइएगा दोस्त। एक तो पहली चीज क्या है कि वो पहाड़ी पे बना हुआ है, और बताते हैं उसको कि जब यहाँ से इंग्लैंड से सूचना आई थी कि यहाँ पे जॉर्ज कैसल आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ग्वालियर आएंगे और इसके साथ साथ इस राष्ट्रीय उद्यान में वो रुकेंगे, तो उनके आने की खुशी में शायद इसको 24 घंटे या 48 घंटे मतलब हार्डली 2-3 दिन के अंदर ही पूरा उस महल को तैयार किया गया था। इसीलिए दोस्त इनके नाम पर ही हमने क्या रखा हुआ है, जॉर्ज कैसल इसका नाम रखा गया। सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आई गेस स्लाइड में ऐड नहीं हो पाई है वो ये है कि इसी राष्ट्रीय उद्यान से अगर आप देखोगे तो NH तो हमारा 3, हाँ ऐड है, सॉरी NH3 और NH5 ये यहाँ से गुजरते हैं। ठीक है, तो प्लीज इसको भी याद रखिएगा, ये हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, NH3 NH25 ये दोनों यहाँ से गुजरते निकलेंगे। अब आप बोलोगे सर आप NH क्यों बता रहे हो, भाई बहन 2000 सॉरी 19 का जो लास्ट एग्जाम है
यहाँ पर एनएस से रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछे गए, एनएस से रिलेटेड हर साल रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एनएच भी इंपॉर्टेंट है। जब मैं परिवहन पढ़ाऊंगा ना तो पूरा नक्शे से आपको रटा दूंगा कि कहाँ पे कौन सा एनएच जाता है, तो उंगलियों पे मैं आपको फैक्ट जैसे रटवाता हूँ ना, इसी तरह से आप फैक्ट रटो। तो जैसे मैंने अभी आपको जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में मैंने आपको तीन चार चीजें बताई। सबसे पहली चीज तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताई कि ये हमारा नेशनल पार्क शिवपुरी के अंतर्गत आता है, ठीक है। NH3 यहाँ से गुजरता है, जॉर्ज कैसेल आपको मिलेगा, सांके सागर, अर्थ सागर, दो यहाँ पर आपको छपड़ मिल जाएंगे, ओके। अब देखिए इसके बाद अब बात करते हैं वन्य जीव के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऐसा स्पेशली आपको यहाँ पे कोई ऐसा वन्य जीव नहीं मिलेगा, जितने भी जो मैंने अभी आपको जीव बताए थे वो आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा मिल जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में एक और होती है कि जो एक जनजाति है सहरिया, ठीक है, मैंने आपको सहरिया हो गया, गरिया हो गया, ये आपको यूनिट 3 में पढ़ाया हुआ है मेंस में, वो जनजाति इस उद्यान के आसपास आपको सबसे ज्यादा देखने की। तो ये था हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब माधव राष्ट्रीय उद्यान के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। पेंच जिसको हम यहाँ पे पन्ना नेशनल पार्क के यहाँ से कह सकते हैं। देखिए दोस्त, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1977 में। तो 1977 में अभ्यारण्य के रूप में जो इसकी स्थापना की गई थी, और फिर 1983 में इसको क्या किया गया था, राष्ट्रीय उद्यान में जोड़ा गया था। तो स्थापना कब हुई थी, पहले अभ्यारण्य के रूप में कब हुई थी, 1977 में, और 1983 को हमने क्या किया था, इसको राष्ट्रीय उद्यान के अंदर कर जोड़ लिया था, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश के ऐसे केवल 6 राष्ट्रीय उद्यान है जिनको हमने प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया, तो इसको भी दोस्त उनमें से ये एक आपको मिलेगा। तो 1992-90 में हमने इसको क्या किया था, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल कर लिया था 1992 के अंतर्गत। अब पेंच राष्ट्रीय उद्यान हमें क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसके इंपॉर्टेंट होने के दो तीन कारण है। सबसे पहली चीज तो दोस्त ये है कि यहाँ पर पेंच जल विद्युत परियोजना चलाई जाती है, पेंच जल विद्युत परियोजना, तो जो पेंच नदी है उसी कारण दोस्त इसको हम पेंच नाम देते हैं। अब जो पेंच जल विद्युत परियोजना है उसका क्या क्या नाम है, देखो मैं आपको बताऊं हुआ क्या है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है ना दोस्त, तो विद्युत की आपूर्ति को भी पूरा करने के लिए नदियों पर अलग अलग डैम्स बनाए जा रहे हैं, और इन्हीं डैम्स के माध्यम से यहाँ पर बहुत सारी नदी जोड़ो परियोजना है ना, नदी जल परियोजना और बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं लागू की जा रही है। तो उन्हीं में से दोस्त एक जो परियोजना है जो पेंच नदी के ऊपर बनाई गई है वो आपको यहाँ पे मिलेगी, ओके। अभी तो हम पूरे पढ़ेंगे, रेप्टाइल पार्क भी पढ़ेंगे ना, एक पन्ना वाला 1995। अच्छा क्या कह रहे हो, NH3 25, हाँ चलो आगे देखते हैं दोस्तों। हम पेंच के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो पेंच के अंतर्गत हमारे लिए देखनी है, तो पेंच के अंतर्गत किस चीज के बारे में डिस्क्राइब करना है महेश जी, महेश जी मैं इकट्ठा आपके सभी के क्वेश्चंस को ले लूंगा, ठीक है, इकट्ठे सारे क्वेश्चंस में आपके कवर कर लूंगा, ठीक है। आप सभी लोगों ने मोगली लैंड के नाम से तो मोगली के बारे में तो सुना है ना, मोगली की एक दो मूवीज भी आई थी, जो भी रिसेंटली एक मूवी आई थी जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने वो सांप की आवाज निकाली हुई थी, देखी थी ना, बड़ी अच्छी मूवी लगी थी, इमरान खान की भी जो उसमें वॉइस है। तो दोस्त मोगली जिसका नाम हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ठीक है, कहानी सुनते आ रहे हैं मोगली के बारे में दोस्त, तो जो मोगली लैंड नाम की जगह है ना दोस्त, वो यहीं पर आपको मिलेगी। कहा जाता है एक अंग्रेज थे है ना जिनका नाम था किपलिंग, उन्होंने एक बुक लिखी थी जंगल बुक करके, उसमें उन्होंने क्या किया था, मोगली लैंड का जिक्र किया था। तो बताते हैं कि जब वो इस किताब को जंगल में बैठ के कहीं वो लिख रहे थे, तो उनके लिए कुछ ऐसा मोगली टाइप का ऐसा कोई यहाँ पे उनको दिखाई दिया था, तो उनके ही नाम पे तो उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ लिखा होगा। अब हमारे यहाँ पे क्या किंवदंतियां चलती रहती है, दिल का ताड़ और राई का पाड़ बहुत जल्दी बनता है, तो उन्होंने तो छोटा मोटा जिक्र किया होगा। जब लोगों को पता चला कि अच्छा ऐसा है, तो उन्होंने कहा हाँ हमने भी वो चीज देखी थी, उन्होंने कहा हाँ अरे हमारे घर के तो पड़ोस में ही रहती थी, अरे एक दिन तो बोला नहीं वो तो 4 दिन तक हमारी छत पे रही। तो हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी किंवदंतियां दोस्त बहुत ज्यादा चलती रहती है। तो मोगली लैंड का जो जिक्र किया गया दोस्त, वो पेंच हमारे जो छिंदवाड़ा में उसमें दोस्त यहाँ पे क्या किया गया, इसकी सबसे ज्यादा जिक्र किया गया, ठीक है। तो ये हो गया पेंच हमारा राष्ट्रीय उद्यान। पेंच की बात जो नेक्स्ट आपको राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा वो कुछ और भी फैक्ट देख लो कुछ इसके बारे में। हाँ ये फैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं बताना भूल गया था, क्योंकि वन्य जीव से रिलेट करके मैंने इसी को जोड़ा है, ठीक है, ये स्पेशली स्लाइड आपके लिए ऐड की गई है क्योंकि वन्य जीव टॉपिक में दिया है। ये इसलिए जोड़ा है दोस्त क्योंकि दोस्त यहाँ पे क्या है, दो प्रकार के गिद्ध पाए जाते हैं, ठीक है, दो प्रकार के। एक जो गिद्ध होता है जिसको हम किंग वल्वर कहते हैं, इस फोटो में आप देखिए किंग वल्वर ही आपको दिख रहा है,
इस गिद्ध की खासियत क्या होती है कि जो इस गिद्ध की जो गर्दन होती है ये आपको जो रेड ये लाल कलर की होती है। विलुप्त प्रजातियों में से ये एक गिद्ध चल रहा है आजकल। तो ये जो गिद्ध है ये आपको अधिकतर कहाँ मिलेगा? पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मिलेगा। तो दो प्रकार के गिद्ध होते हैं, एक का नाम है किंग बल्बर और दूसरे का नाम आपको मिलेगा व्हाइट ब्रेड बल्बर। ठीक है, इसके पीछे सफेद कलर की धारियां बनी होती है। दूसरे गिद्ध की फोटो नहीं लगा पाया हूं मैं। ठीक है, तो पहला गिद्ध की फोटो जो मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ तो देखो ना, आपको दिख रहा होगा कि ये रेड कलर की सी गर्दन है। तो ये जो गिद्ध आपको मिलेगा कहाँ पर मिलेगा? पेंच घाटी के अंतर्गत मिलेगा। गिद्ध के साथ साथ एक बहुत प्यारा तोता जिसको हम करण बिट्टू भी कहते हैं वो भी दोस्त यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलेगा। और मध्य प्रदेश का हमारा जो राजकीय पक्षी है दूधराज, जिसको हम सबसे ज्यादा प्रिय मानते हैं, जब भी तो हमने अपना राजकीय घोषित किया, वो भी आपके लिए यहीं पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा एक पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में एक छोटा सा विवरण। पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बाद जो नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा आपको दोस्त सबसे इम्पोर्टेंट, वो मिलेगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये भी एक सबसे इम्पोर्टेंट है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। आइए तो देखते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की इतिहास क्या कहता है। तो सत्यपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये कहता है कि इसकी स्थापना 1981 के अंतर्गत की गई और 2007 में इसको क्या किया गया था, 1999 से लेकर 2000 तक इसको टाइगर रिजर्व घोषित करके रखा गया। तो ये आप याद रखना है आपको किसके बारे में? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। एक दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बीएबी जिस तरह की जो पहाड़ियों से हमने अभी बांधवगढ़ के बारे में पढ़ा हुआ था ना, उसी तरह से ये भी सतपुड़ा रेंज की बीहड़ पहाड़ियों से घिरा हुआ। कौन सा? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो जैसा मैंने अभी आपको बांधवगढ़ के बारे में बताया था उसी तरह से एक ये भी उद्यान है जो कि पहाड़ियों से आपको घिरा हुआ मिलेगा। क्षेत्रफल इसका ज्यादा नहीं है, इसका क्षेत्रफल 524 वर्ग किलोमीटर के आसपास मिलेगा, पर इतने क्षेत्रफल में भी यहाँ पर बहुत दुर्लभ पशु और उसके साथ साथ पौधों की प्रजातियों को संरक्षित किया गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आपको कौन कौन से पौधे और पशु की प्रजातियां आपको सबसे ज्यादा यहाँ देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। तो अभी तक ये क्लियर हो गया आपको? क्लियर है? किसी का कोई डाउट तो नहीं इसमें? होशंगाबाद स्थापना 81, पता है आपको एक चीज और इसके बारे में बताऊं? ठीक है, तो सबसे पहले जो बाघों का जो डीएनए लेना चालू किया गया था ना वो यहीं से ही किया गया था, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से। बाघों का जो हम डीएनए लिया करते थे ना, आजकल तो डीएनए कॉमन ही हो गया है ना, तो बाघों का डीएनए लेने की भी चीज तो यहाँ से छोड़ी थी, वो भी यहीं से ही हुई थी शुरुआत। तो ये हो गया हमारा सतपुड़ा के बारे में, दो चार चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। 1981 में तो इसको राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे हमने घोषित किया हुआ था। ठीक है, अच्छा आप लोगों को दिक्कत होती है कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान शामिल है ना टाइगर प्रोजेक्ट में और कौन कौन से नहीं है, क्या ये आपको दिक्कत होती है क्या याद करने में? होती है? डेफिनेटली अजय जी, डेफिनेटली। देखो एक मैं ट्रिक बता रहा हूं, आप उस ट्रिक को याद कर दो। कान्हा ने संजय को, ठीक है, पन्ना में सतपुड़ा के पैर से बांध दिया। क्या बोला मैंने? कान्हा ने, ठीक है, संजय को पन्ना में, ठीक है, सतपुड़ा के पैंच से बांध दिया। का से कान्हा नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, ने संजय को, सा से संजय डुबरी हो गया, ठीक है, थ्री से पन्ना, तो पन्ना वाला हो गया हमारा, उसके बाद सतपुड़ा, तो सतपुड़ा वाला आपका आ गया, ठीक है, पैंच तो पैंच आ गया, और बांध दिया से बांधवगढ़। तो इसको इस तरह से आप याद कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको स्ट्रिक्ट ना के इसको याद कर लेता था कि हाँ कौन कौन से शामिल है। अब ये कब कब शामिल हुए हैं इसको दोस्त आप अपने हिसाब से याद कर लो। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें जरा से याद करना चाहो तो कर लो। कान्हा ने संजय को, ठीक है, पन्ना में सतपुड़ा के पैच से बांध दिया। ये एक छोटी सी ट्रिक थी। तो सतपुड़ा के बारे में दोस्त मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो सतपुड़ा जो हमारा हो गया एक, ये भी यहाँ पे शामिल किया गया था। चलिए इसके बारे में मैंने बता दिया। डायनासोर के सॉरी जो डीएनए टेस्ट यहाँ पे चालू हुए थे बाघों के, वो यहाँ पे जो यहाँ पे चालू कर दिए गए थे सतपुड़ा। सतपुड़ा के बाद जो हमारा नेक्स्ट उद्यान आता है, तो सबसे बड़ा मैं एक दो चीजें और देख लो तो यहाँ पे, ठीक है, जो मैं प्रजातियों की बात कर रहा था सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो भूल ही गया। ठीक है, नेशनल पार्क थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं, तो आपको वन्य जीव पढ़ा रहा हूँ, वन्य जीव के अंदर आपको नेशनल पार्क पढ़ाने। तो देखिए दोस्त कितना सुंदर देखने में लग रहा है। ठीक है, ये देखिए। तो दोस्त इस प्रकार के जितने भी
जो विरल होते जा रहे हैं पक्षी, ठीक है, वो सारे के सारे आपको कहाँ पे मिलेंगे, हमारे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इन पक्षियों के, मैंने आपसे बात की है पशु पक्षी और इसके साथ साथ पेड़ पौधे, तो सबसे ज्यादा जो सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं वो आपको होशंगाबाद के क्षेत्र में मिलेंगे, क्योंकि होशंगाबाद में पानी बहुत अच्छा है, काली मिट्टी आपको मिल जाएगी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी जो नर्मदा नदी के द्वारा जो आसपास का क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो उपजाऊ क्षेत्र कहलाता है ये कहाँ का कहलाता है, सतपुड़ा, सतपुड़ा के में वो भी सबसे ज्यादा किसके पेड़ पौधे मिलेंगे आपको, तो सागौन के। और मैंने आपको बताया सागौन के पेड़ यहाँ पे क्यों ज्यादा है, ठीक है, और कहाँ आपको दूसरे साल के वृक्ष ज्यादा मिलेंगे, उनके कारण भी मैंने आपको कल बढ़ाए हुए अपनी क्लासेस में, नहीं देखा हो तो एक बार जरूर उनको देख लेना। तो दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो गई कि यहाँ पर मनुष्य वन प्राणी के साथ साथ तेंदुआ, सांबर, चीतल है ना, भोंकने वाले हिरण टाइप है, भोंकने वाले हिरण टाइप, देखिए ये भी भू भू की आवाज निकाल देते हैं, इस टाइप के कुछ आपके लिए यहाँ पे जानवर देखने के लिए मिलेंगे। तो ये था हमारा एक सतपुड़ा के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है जो सतपुड़ा के बारे में एक दो चीजें और, तो इसमें दोस्त आपको यहाँ पे ये भी याद करना है कि सतपुड़ा में ही दोस्त यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी मिलेगी आपको, ठीक है, वो भी यही स्थित है धूपगढ़, तो सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश की धूपगढ़ आपको यही देखने की मिलेगी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, पचमढ़ी में जो बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है 2011 में, ठीक है, वो भी दोस्त आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का ही भाग कहलाता है। बहुत बार क्वेश्चन आपसे किसी दूसरे एग्जाम्स में भी इस तरह से वो पूछ सकते हैं कि पचमढ़ी का जो बायोस्फीयर रिजर्व है, निम्न में से ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका वो भाग है, तो वो किस चीज का भाग है, यहाँ पे सतपुड़ा का भाग, कब उसको बनाया गया था, तो 2011 में दोस्तों उसको क्या हुआ था, उसको स्थापित यहाँ पे किया गया। ये था कुछ हमारे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बाद जो दूसरा हमारा राष्ट्रीय उद्यान आता है दोस्त, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, एक ये भी आपको सबसे इंपॉर्टेंट मिलेगा, ठीक है, पेंच, इसकी स्थापना 1981 के अंतर्गत की, पेंच कह रहा हूँ सॉरी, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की भी दोस्तों स्थापना की गई थी 1981 के अंतर्गत, आपको पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना मिलेगी, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है वो भी इतनी ही दोस्त, 15,000 कह रहा हूँ, 542 के आसपास इसका आपको क्षेत्रफल मिलेगा। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो दूसरे राष्ट्रीय उद्यानों में आपको नहीं मिलेगी, वो ये है कि यहाँ पे रेप्टाइल पार्क की स्थापना की गई, पन्ना का जो पार्क है इसमें रेप्टाइल पार्क की स्थापना की गई। रेप्टाइल का मतलब वो होता है ऐसे जीव जो रेंगने वाले जीव होते हैं, तो रेंगने वाले जीव आपको कहाँ पे मिलेंगे अधिकतर, आपको हमारे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत मिल जाए। तो यहाँ पर एकमात्र ये ऐसा हमारा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर क्या किया गया है, रेप्टाइल पार्क की स्थापना की गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपको ये मिल जाएगा, है ना। अच्छा आपको पता है इसका एक दूसरा नाम भी है, ठीक है, पन्ना का, इसको हम सरिक्का भी कहते हैं, दूसरा सरिक्का। सरिक्का का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को, कौन बता सकता है, सरिस्का, दूसरा सरिस्का भी कहते हैं, पता है कौन जानता है इसका मतलब। 1995 में किया गया था इसको, टाइगर प्रोजेक्ट में 1994-95 के अंतर्गत किया गया था। हाँ, सरिस्का मतलब क्या होता है, सरिस्का का मतलब दोस्त यहाँ सरिस्का का मतलब ये होता है कि जहां पर एक समय पहले कभी शेर हुआ करते थे और अभी हाल ही में वहां पर शेर नहीं होते हैं, तो इसके दोस्त हम दूसरा सरिस्का भी कहते हैं, मतलब जहां पर अब जो बाघ है ना वो यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, ठीक है। ये तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई, इसकी स्थापना 1981 में की गई थी दोस्त, अभी मैंने बताया, और 1995 में इसको, 1994-95 में इसको टाइगर रिजर्व के अंतर्गत हमने क्या किया था, शामिल किया था। एक सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज और है रेप्टाइल पार्क के साथ, मुझे याद आई कि यहाँ पर सबसे पहले गिद्धों की गणना शुरू की गई थी, जो ईगल्स होते हैं ना उनको गिनने का जो यहाँ पे काम किया गया था वो इसी पार्क के अंतर्गत किया गया था। गिद्धों की गणना सबसे पहले कहाँ पर हुई थी, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही हुई। फिर इसके बाद दोस्त बात करें संजय, ठीक है, संजय गांधी जिसके बारे में भी हम पढ़ ही रहे थे, तो दोस्त बात करें संजय नेशनल पार्क, जो कि आपको कहां पे मिलेगा, सीधी में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। पुराना नाम इसका था डुबरी, ठीक है, अब हम इसको संजय डुबरी के नाम से भी जानते हैं, पुराना नाम इसका संजय डुबरी था, ठीक है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो दोनों का हिस्सा है, ये दोनों के हिस्सों के अंतर्गत आएगा, यहाँ मैप में आपको दिख ही रहा होगा, ये लगा है आपको सीडी का रेड कलर का मार्क, तो मध्य प्रदेश में भी इसका हिस्सा आता है, मध्य प्रदेश के साथ साथ आपको कहाँ पे मिलेगा ये छत्तीसगढ़ का भी जो ये भाग कवर करता है, तो छत्तीसगढ़ का जो गुरुदास घाटी वाला हिस्सा है ना वो इसके अंतर्गत यहाँ पे आता है। सबसे ज्यादा जो चीतल होते हैं, ठीक है, वो आपको केवल और केवल संजय गांधी में ही देखने के लिए मिलेंगे, संजय गांधी, संजय डुबरी कहते हैं हम इसको,
तो यहाँ पर ही सबसे ज्यादा आपके लिए क्या मिलेंगे, चीतल देखने के लिए मिलेंगे 1981 में, इसको राष्ट्रीय उद्यान, और 2008 के अंतर्गत क्या किया गया था, इसको हमने शामिल किया था टाइगर प्रोजेक्ट। तो टाइगर प्रोजेक्ट में कौन कौन से शामिल है, कान्हा ने संजय को पन्ना में सतपुड़ा के पेंच से बांध दिया। तो इस ट्रिक को याद कर लेना, दो तीन बार आप भूलोगे नहीं कौन कौन से हमारे टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, तो ये हो गया संजय के बारे में। ठीक है, कई बार कुछ बुक्स में डुबरी लिखा रहता है तो कंफ्यूज मत होना, जो संजय है ना डुबरी, इसका यहाँ पे डुबरी लिखा रहता है, डिबोरी भी लिखा रहता है कुछ में, तो ये इसके पुराने नाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज दोस्त इसमें एक और है ना संजय वाले में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्त आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ इसके बारे में, वो ये है कि इस राष्ट्रीय उद्यान में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो वनों का प्रतिशत मिलेगा वो साल वृक्ष का मिलेगा। अब आप फिर वही क्वेश्चन पूछोगे कि सर साल वृक्ष किस जगह जाते थे और सख्त जो सागवान होता है वो किस तरफ होता है। तो देखो दोस्त, मैंने आपको अपनी स्टार्टिंग की क्लास में बताया था मध्य प्रदेश का जो दक्षिण और पूर्वी हिस्सा है, जैसे आपको जो रेड मार्क दिख रहा है सीधी, इसके नीचे आ जाओगे आप सीधी, उसके ऊपर सिंगरौली, डिंडौरी हो गया, अनूपपुर हो गया, ठीक है, मंडला हो गया, फिर बालाघाट, ये मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी हिस्सा कहलाता है। जब कभी भी बंगाल की खाड़ी से होते हुए बादल हमारे यहाँ पे आते हैं, मध्य प्रदेश में प्रवेश होते हैं, तो इस क्षेत्र पर वो सबसे ज्यादा यहाँ पे बारिश करते हैं। ठीक है, इसीलिए दोस्त यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, सदाबहार वन मिलेंगे। अब चूंकि यहाँ पर क्या है, काली मिट्टी आपको कम देखने के लिए मिलेगी, तो जो सागौन के वृक्ष होते हैं, सागौन के वृक्ष के लिए काली मिट्टी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, साल के वृक्ष क्या होते हैं, किसी भी क्षेत्र में हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर है कि जो संजय डुबरी वाला जो हिस्सा आपको मिलेगा राष्ट्रीय उद्यान का, 80% हिस्सा जो है इस वनों का वो किससे कवर है, पूरा का पूरा साल के वृक्षों से आपको कवर मिलेगा। बाकी 20% बस आपको केवल यहाँ पे मिश्रित वन देखने के लिए मिलेंगे, बाकी मेजोरिटी यहाँ पे किसकी मिलेगी, आपको साल के वृक्षों की देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर एक तो वृक्ष हो गया साल के, दूसरा बहुत सारी प्रागैतिहासिक गुफाएं आपको देखने मिलेगी, राजगढ़ी की गुफा, गिद्दा पहाड़ी है ना, भुईमांड की गुफा, बहुत सारी जो हमारी प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं हैं वो सबसे ज्यादा जैसे आप आपको देखने मिलेगी। एक समय जैसे मैंने अभी आपको माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताया था, उसी तरह से जो हमारे रीवा के महाराज थे, इनका नाम था मार्टेंड्स है, ठीक है, उनकी भी दोस्त यहाँ पे ये एक समय क्या हुआ करती थी, कहे तो इसको शिकारगा, ठीक है, मार्टेंड्स है की भी ये शिकारगा हुआ करती थी। तो उन्हीं ने दोस्त यहाँ पे क्या किया था, सबसे पहले दोस्त सफेद बाघ को पकड़ा, ठीक है, जिसका नाम यहाँ पे मोहन रखा गया था। तो प्लीज इस चीज को भी जरूर याद रखिएगा कि जो मोहन बाघ है, ठीक है, वो आपका संजय गांधी या संजय डुबरी से संबंधित है। तो रीवा के जो महाराजा थे मार्टन, इन्होंने ही दोस्त यहाँ पे क्या किया था, मड़वास स्थित भरतरी वन में एक मोहन को पकड़ा था। मोहन कौन था दोस्त, यहाँ पे सफेद कलर का बाघ, और आप जानते ही रीवा के क्षेत्र को, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, सफेद शेरों की भूमि बोला जाता है, तो वो इसीलिए बोला जाता है ये, ठीक है। तो ये इस चीज को याद रखना आपको संजय गांधी या संजय डुबरी के बारे में। नेक्स्ट जो आपका आता है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म जिसको हम इंग्लिश में फॉसिल्स भी कह सकते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, पहली चीज तो याद रखिए, डिंडौरी में आपको जीवाश्म हमारा राष्ट्रीय उद्यान आपको मिल जाएगा, ठीक है, फॉसिल्स नेशनल पार्क 1983, ठीक है, 1983 में जो इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, ठीक है, नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। प्रदेश का सबसे छोटा जिसको हम कह सकते हैं, तो आपको कौन सा नेशनल पार्क मिलेगा, ये मिल जाएगा। यहाँ पर एक नहीं दो नहीं, लगभग 140 से ज्यादा दोस्त यहाँ पे क्या हुए हैं, जीवाश्म प्राप्त हुए, 140 से ज्यादा दोस्त आपको यहाँ पे जीवाश्म मिल जाएंगे, जो कि लगभग लगभग 150 मिलियन साल पुराने, 150 मिलियन से भी ज्यादा साल पुराने जीवाश्म आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। ये जो जीवाश्म मिलेंगे आपको यहाँ पे, ये दोस्त यहाँ पे तीन स्थल, ठीक है, इस पूरे पूरे क्षेत्र के तीन स्थल, इनको क्या किया गया, एक उमरिया का हिस्सा, दूसरा खुर्द तथा बरसपुरा, यहाँ पर इनको बांट दिया गया, क्योंकि क्या अलग अलग प्रजाति के दोस्त यहाँ पे वो मिले हैं ना जीवाश्म, तो इनको अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पे इसलिए डिवाइड कर दिया गया। तो तीन प्रजाति के आपको यहाँ 140 से भी ज्यादा प्रजाति के आपको जीवाश्म मिलेंगे, और जो जीवाश्म मिलने के कारण ही क्या किया गया है, हमने इसके तीन अन्य स्थलों में इसको यहाँ पे बांट दिया। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा इस चीज के बारे में कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, डिंडौरी में, नेशनल प्रोजेक्ट में, कब, तो 1983 को इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। ओके, तो जीवाश्म के बारे में क्लियर हो गया आपको ये चीज, देखो मिस्ट्री जी मैं आपको बताऊं, मैं आप सभी लोगों को एक चीज ही बोलता हूँ, 10 बार बोलता हूँ, आप लोग जो कंफ्यूज होते हो, आप लोग को केवल एक ही काम करना है, ठीक है, टॉपिक के अनुसार आपको केवल पढ़ाई करनी है, और इसके साथ साथ जो दूसरा काम आपको करना है वो करना है केवल एमसीक्यूज लगाने का।
कोई भी बुक ले आओ, आज जैसे आपको मैंने नेशनल पार्क पढ़ा दिए, कोई भी एमसीक्यू की बुक होगी जिसमें टॉपिक वाइज टॉपिक एमसीक्यूज होंगे, यहाँ से आप उनके एमसीक्यूज लगाना स्टार्ट कर दो, है ना। ठीक है। अच्छा आप ये बताओ, ये जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, हमारे भारत में ऐसे कितने राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान है पता है आपको? किसी को लगता होगा 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं। देखो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से एक चीज बोल रहा हूँ, या तो बुक ले लो, ठीक है, नहीं तो मैं डेली 200 एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, टॉपिक वाइज टॉपिक करा रहा हूँ। मन नहीं लगता है मेरी क्लास में आके पढ़ लो, ट्रिक्स भी बताता जाता हूँ आपको, साथ में ट्रिक बताता हूँ, तो आप उन ट्रिक्स को याद भी कर सकते हो, ठीक है। फ्लो, हाँ, तो आपको पता है, वेरी गुड, जिसने चार आंसर लिखा बिल्कुल सही। तो हमारे भारत में टोटल चार जीवाश्म मिलेंगे आपको, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे, उनमें से दोस्त आपका एक ये भी है, ठीक है, जो हमारे मध्य प्रदेश में डिंडौरी में स्थित है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करें वन विहार, भैया वन विहार तो मुझे लगता है कि शायद आप लोग नहीं गए हो, या गए हो तो जरूर जाना वन विहार में। तो मैं जब भी जाता हूँ ना घूमने, तो सबसे लास्ट में जो क्या मिलते हैं, वो सांप वाला, वो एक छोटा सा, एक वो उनकी टंकी बना के रखी हुई है, वो छोटे छोटे से सांप जैसे ऊपर तक आ जाते हैं, ठीक है, वो देखा है मैंने बड़ा, एक अजगर भी देखा हुआ है। तो भैया यहाँ पे सबसे फेमस चीज मुझे वन विहार की यही लगती है, सांप हो गए, और दूसरा एक वो अजगर रखा हुआ है, शायद वो तो इंदौर में रखा हुआ है, गैस इंदौर के वो उसमें बना था, इंदौर का भी वो इकलौता ही ऐसा है कि जो सिटी के अंदर बनाया हुआ है। वन विहार तो फिर भी आपको थोड़ा सा वो श्यामलाल हिल्स के उस तरफ मिल जाएगा, इंदौर का जो आपको नेशनल पार्क मिलेगा ना, नेशनल पार्क नहीं मिलेगा, जो इंदौर का आपको चिड़ियाघर मिलेगा एक्चुअल में कहूँ तो, वो तो सिटी के अंदर ही है, इतना मोटा और इतना बड़ा आसपास, ठीक है, जरूर देखना अगर आप लोग इंदौर के आसपास रहते होगे, जरूर गए होगे। हाँ जी, तो दोस्त भोपाल की बात करूं, ये भी छोटा है ना, 1979 के आसपास दोस्त इसको हमने क्या किया गया था, इसको बनाया गया था 1979 में, इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, 20 सिटी में आपको मिलेगा। दूसरा सबसे छोटा हमारा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा आपको जो दिया गया है, वो वन विहार को दिया गया। इसमें एक बहुत अच्छी चीज चली है दोस्त, यहाँ पे मैं आपको बताऊं वन विहार के बारे में, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को किसी जानवर को गोद लेना है, ठीक है, तो यहाँ पर गोद लेने की भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। देखिए आप जो भी यहाँ पे पैसा देना चाहते हो तो आप पैसा दे दो यहाँ पे, और चाहो तो आप उस जानवर को कुछ समय के लिए गोद लेने की व्यवस्था, तो ये व्यवस्था 2008 में यहाँ पे चालू की गई थी। ये इसलिए भी चालू यहाँ पे की गई थी कि जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले, ठीक है, जैसे कि वो वन्य जीवों की हत्या कर देते हैं ना, ठीक है, कुछ लोग शिकार आज भी करते हैं हमारे सागर में, तो कई बार सुनने में भी पेपर में भी देखते रहते हैं कि वो नील गाय कभी करंट लग के मर गई, या कुछ हो गया, करंट के तार बिछा देते हैं, ठीक है, कि इससे कोई हिरन या कोई भी जानवर आए तो बेचारा जल के खत्म हो जाए, तो ये चीज शिकार ही कहलाता है। जरूरी नहीं है कि शिकार वो हो गोली या तलवार से आप किसी जानवर को मारने जाओ, एक प्रकार से ये भी शिकार की कैटेगरी में ही आता है, ठीक है, हत्या होती है। तो इस तरह से क्या किया गया था, ये जो गोद लेने की प्रथा थी यहाँ पे चालू की गई थी, कहाँ पे, वन विहार के अंतर्गत चालू की गई थी। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि ये भी 20 सिटी में ही मिलेगा आपको, अलग से आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा वन विहार को देखने, ठीक है, बहुत अच्छा बना है, काफी बड़ा है, जरूर जाइएगा अगर आप कभी गए। तो दूसरा आ जाता है, फिर आता है दोस्त डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूं तो कहाँ पे मिलेगा आपको ये, हमारे यहाँ पे डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान धार के अंतर्गत आपको, धार में ये है, तो धार में स्थित ये दूसरा हमारा राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान है। क्षेत्रफल की बात करूं ज्यादा नहीं है, छोटा है, 108 वर्ग क्षेत्रफल के में मिलेगा, पर ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर डायनासोर की जीवाश्म प्राप्त हुए। अब आप बोलोगे सर डायनासोर की जीवाश्म यहाँ पे किस तरह से प्राप्त हुए, तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पर टोटल चार जीवाश्म प्राप्त हुए थे, ठीक है, डायनासोर के, तो डायनासोर के जो जीवाश्म यहाँ पे प्राप्त हुए थे वो डायनासोर की एक परिवार था सोरोपेड, सोरोपेड करके जो परिवार था उसके यहाँ पे डायनासोर ये जो जीवाश्म है वो यहाँ पे मिले। हालांकि इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, सोरोपेड वगैरह जितना मैंने बता दिया बस प्लीज इसको भी याद रख लेना। तो डायनासोर जीवाश्म कहाँ पर मिलेगा आपको, डायना मिलेगा। अब देखिए दोस्त यहाँ पे क्या है, कुछ चीजें यहाँ पे स्टार्ट की गई है यहाँ पे डायनासोर जीवाश्म की, जो हिस्ट्री के बारे में आपसे कह रहा था बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या हुआ था, 1828 की मैं अगर बात करूं आपसे, तो कर्नल स्लीमैन थे, इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, जबलपुर की ये छावनी में यहाँ पे पोस्टेड हुआ करते थे, तो छावनी देखोगे तो बहुत बड़े एरिया में होती थी। तो जब इन्होंने क्या किया, 1828 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसी समय क्या हो रहा था, इंग्लैंड में आसपास आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की भी स्थापना हुई थी,
तो जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना हो चुकी थी तो इंग्लैंड में हुई थी, इंग्लैंड से भारत में भी आए हुए थे, तो इन्होंने क्या किया कि जो धार का जो आसपास का क्षेत्र था यहाँ पर किसी चीज को लेकर खुदाई हो रही थी, ठीक है। तो इनको यहाँ पे सबसे पहले जीवाश्म यहाँ पे प्राप्त हुए, ठीक है। फिर उसके बाद ये 1982 की बात करूं तो अशोक साहनी ने जबलपुर से दोस्त यहाँ पे डायनासोर के अंडे प्राप्त किए। अब आप बोलोगे कि सर अंडा, अरे बहुत बड़े बड़े अंडे थे, ऐसे नहीं थे कि वो अंडे जैसे आज का शेप का दिखता है, ये बहुत डस्टी हो चुके थे, मिलियंस पहले के अंडे है ना, कड़क हो चुके थे। वो तो क्या किया गया, उसकी कार्बन डेटिंग करके हमने बताया कि हाँ ये डायनासोर का अंडा है और किस प्रजाति का हुआ करता था, ठीक है। तो डायनासोर जीवाश्म अंदर जो हमें जीवाश्म में मिले हैं इस उद्यान से, ये कुछ उसकी हिस्ट्री के बारे में है। तो स्लीमेन के लिए सबसे पहले प्राप्त हुए थे, स्लीमेन के बाद पर अशोक शाहनी थे, उन्होंने ढूंढे, और इसीलिए दोस्त आज जो हम इसको जो नाम बोलते हैं ना डायनासोर जीवाश्म राष्ट्र उद्यान, वो इसीलिए कहा जाता है। कुछ और चीजें बताएं तो अब बचता है लास्ट हमारा पालनपुर, पालनपुर कूनो पालनपुर के नाम से जिसको हम यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, कूनो पालनपुर के बारे में देखो अनुज जी, मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको चार्ट भेजा ना बाजू में लगा था, उस चार्ट को आपको पढ़ लेना। आज रात तक मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक हैंड रिटन नोट्स अपने पहुंचा दूं, ठीक है। उनमें बाजू में मार्जिन मैंने छोड़ के रखा हुआ है, मार्जिन स्लाइड्स रहेंगे एज इट इज, उसके बाजू में मार्जिन है, वहां पे आपको क्या करना है जो मेरे नोट्स हैं उससे पढ़ो, लूसेंट या जो भी और बुक पढ़ रहे हो, जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको वहां पे मिल रहे हैं उसको दोस्त यहाँ पे इनकल्पेट करते चलो, लिखते चलना साइड में, आपके खुद के नोट्स बन जाएंगे। आज शाम तक मैं आपको कोशिश करूंगा दे दूं, हाँ जी आज शाम तक ही कोशिश करूंगा कि मैं आपको दे दूं, शाम मतलब कि मेरी रात होती है ना, क्योंकि आपके ही साथ ही तो मेरी शाम हो जाती है, ठीक है। नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, टेलीग्राम बिल्कुल दे सकते हैं, ओके। आज से शायद फॉर्म डेट्स खुल गई है ना, तो अभी पता चल जाएगा जिन्हों को ऐसा लग रहा है कि हम फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्त देख लेते हैं कूनो पालपुर जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है, कूनो पालपुर। तो दोस्त इसकी जो स्थापना की गई थी 1981 से लेकर 18 तक, तो दोस्त हमारे अभयारण्य के रूप में ही रहा गया। सबसे पहले इस तो दोस्त बात कर लो कि ये कौन कौन सा हमारे क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। यस राइट मिस हो रही है, हाँ ये तो पालपुर पुनो के तहत निम्नलिखित क्षेत्र शामिल किए गए। अब देखिए कौन कौन से क्षेत्र यहाँ पे शामिल किए गए हैं, उन क्षेत्रों को शामिल करने का दोस्त यहाँ पे मकसद क्या, देखिए। तो जितना भी दोस्त जो हमारा पुलो कालपुर के आसपास का एरिया था, यहाँ पर क्या किया गया है, जो भी हमारी सेंचुरीज थी, जितने भी जो अभ्यारण्य थे और अभ्यारण्य के साथ साथ कुछ जो नेशनल पार्क हुए थे उनको उनका थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा मिला के दोस्त यहाँ पे क्या किया गया है, पालपुर कूनो नाम का जो हमारा अभ्यारण्य है, सॉरी राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें दोस्त जोड़े गए। अब यहाँ पे उन सभी को जोड़ने का जो मेन मकसद यहाँ पे क्या था, वो ये था यहाँ पे कि दोस्त इन सभी को मिलकर, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने देखा था अभी बीच में कि एक हमारी पेंच और बेतवा की एक नदी जोड़ो परियोजना चल रही है ना, अब यहाँ पे जो पेंच हमारा हो गया और बेतवा नदी, इनको तो इनके बीच से भी कई बार क्या होता था, राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र पड़ते थे। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि यदि अगर ऐसी कोई परियोजना निकल रही है किसी भी क्षेत्र से, तो उसको दोस्त यहाँ पे क्या कर दिया जाता था कि आसपास का जो पूरा क्षेत्र होता था ना उसको हम संरक्षित जोन के अंतर्गत ले लेते थे, ठीक है। तो क्योंकि क्या होता था आपको मैं बताऊँ, हम दो नदियों को यहाँ पे जोड़ने का यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। कई बार यहाँ पे क्या होती है चीजें बहुत सारा, कई बार यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होता है कि अगर जब कभी ऐसी कोई सरकार परियोजना निकालती है तो उसका विवाद वगैरह बहुत ज्यादा होता है। तो सरकार ने यहाँ पे क्या किया था, जब पालपुर पूनो को दोस्त जब वे नवीन राष्ट्रीय उद्यान में शामिल कर रहे थे, तो शिवपुरी का जो शिवपुरी वाला क्षेत्र और उसके साथ साथ श्योपुर वाला जो आसपास का जो यहाँ पे जो पूरा का क्षेत्र था ना उसको दोस्त इसमें शामिल करके बनाया गया था, ठीक है। तो जो पालपुर पूनो का जो क्षेत्र आपको मिलेगा, दो अभ्यारण्यों का पूरा क्षेत्र मिलेगा, एक पालपुर पूनो अभ्यारण्य श्योपुर और दूसरा जो आपको मिलेगा शिवपुरी का जो आपका अभ्यारण्य है करेरा अभ्यारण्य, इसके क्षेत्र का भाग आपको इसके अंतर्गत मिलेगा, ठीक है। तो दो का ये समावेश है। जब कभी भी दोस्त आप देखना सरकार कभी भी ऐसी योजनाएं निकालती है ना जिससे बड़े पैमाने पर जो उसके मतलब कि 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट होते हैं, वहां पर अधिकतर क्या होता है जो विपक्षी दल होता है उनके द्वारा आवाज उठाई जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा बीच में अभी एक चिपको आंदोलन के पहले भी बहुत सारी चीजें हुई हैं कि कहीं डैम बनना हो। अब कहीं अगर आप डैम बना रहे हैं अगर सरकार किसी नदी पे, तो दोस्त उसका पूरा का पूरा वो पानी को रोक देंगे। अब पानी रुक जाएगा तो उस नदी के जो आसपास के जो गांव होंगे जिनके खेत होंगे वो पूरे के पूरे डूब जाएंगे, ये होता है ना। तो कई बार क्या होता है इस चीज को लेके विरोध बहुत ज्यादा होते हैं,
जैसे भी आप देखेंगे कि जो केन और हमारी जो बेतवा नदी को जोड़ने की जो परियोजना चल रही है ना, तो जैसे अगर ये परियोजना आगे जाके पास होती है ना, तो आसपास के जितने भी जो क्षेत्र आपको मिलेंगे ना, उनके जमीन के रेट अगले ही दिन आपको 4 गुना या 5 गुना मिल जाएंगे। ठीक है, क्यों? कि भैया इस परियोजना से जुड़ रहे हैं। और दूसरा, उस परियोजना के लिए जो जमीन की जरूरत पड़ेगी, तो फिर सरकार से कहेंगे कि नहीं, इतने कंपनसेशन में नहीं होगा। ये होता है, बहुत बार होता है। तो पूलो कानपुर को दोस्त यहाँ पे याद रखिए, पालपुर पूनो के बारे में, कि दो अभ्यारण्यों का क्षेत्र इसमें शामिल रहता है, एक आपका श्योपुर का अभ्यारण्य, ठीक है, पूनो, और दूसरा हो गया हमारा करेरा शिवपुरी का। तो उसके दोस्त भाग को मिलाकर दोस्त इसको क्या करा है, नवीन राष्ट्रीय उद्यान में शामिल किया गया है। ठीक है, करेरा शिवपुरी का अभ्यारण्य। तो ये था हमारा एक पूनो कानपुर के बारे में। तो दिस इज ऑल अबाउट, नहीं, ऐसा नहीं है। देखो आप लोग अभी एकदम से वेट करो, अभी खुला नहीं है ना, जल्द खुल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। आज शायद आई थिंक फॉर्म की डेट खुल गई ना, आज खुल गई है डेट, तो एक बार अगर आप लोग भरने जाओगे ना, तो इसको देख लेना, पता चल जाएगा। ठीक है, इतना लोड क्यों ले रहे हो? देखो मेरी बात बताओ, अभी मैंने सुना है उसके बारे में नोटिफिकेशन में, कि शायद आपका रोजगार पंजीयन वगैरह लग रहा है, अगर आप दूसरे स्टेट के हैं तो आपको रोजगार पंजीयन देना पड़ेगा। देखो चलिए बताइए सभी के मैसेज। हरगोविंद जी देखो, टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम, उसको ज्वाइन कर लो, वहां सारे पीडीएफ आपके लिए मैं अवेलेबल कराऊंगा। एमसीक्यू उसकी क्लास फ्री है, कोई पेड क्लास नहीं है वो। देखिए तो ये तो थे 11 हमारे नेशनल पार्क। अब बात कर लेते हैं दो और नेशनल पार्क दोस्त, एक पन्ना टू और दूसरा ओमकारेश्वर नेशनल पार्क। ठीक है, बहुत जल्द ये भी आपको यहाँ पे सूचना में मिल जाएंगे, एक पन्ना में और दूसरा आपको खंडमा में। ठीक है, यहाँ पर भी दोस्त क्या किया जा रहा है, जो वन्य प्राणी है, सभी जो मुख्य रूप से जो वन्य प्राणी होते हैं उनको यहाँ पे शामिल करने का यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो एक पन्ना टू और दूसरा ओमकारेश्वर, ठीक है, ये आपको खंडवा जिले में मिल जाएंगे। टेलीग्राम का नेम है लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम, प्लीज कोई लिंक जरूर शेयर कर दीजिएगा भाइयों और बहनों के लिए, ठीक है, तो वो भी इस पीडीएफ का लाभ उठा पाए। रोजगार पंजीयन हाँ ऑनलाइन होगा, आपको तहसीली क्षेत्र में जाके कराना पड़ेगा। ओके, तो ये कुछ हमारे राष्ट्रीय उद्यान थे, इनके बारे में मैंने आपको जो अभी प्रस्तावित में चल रहे हैं जो, ठीक है, ओमकारेश्वर और पन्ना वाला। अब बात कर लेते हैं इसके बाद कुछ अभ्यारण्य, तो कल हम अभ्यारण्य के बारे में डिटेल से देख लेंगे। कुछ राष्ट्रीय उद्यान दोस्त यहाँ पे और आपको दिख रहे हैं, जैसे कि खेमोनी हो गया, रानी दुर्गावती हो गया, नौरादेही, ये कुछ ऐसे हमारे अभ्यारण्य वाला हिस्सा है जो कि हमारे राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत शामिल होते हैं। जैसे कि नौरादेही की बात करूं, सबसे बड़ा अभ्यारण्य आपको जो मिलेगा वो नौरादेही वाला अभ्यारण्य मिलेगा, काना केसली के अंतर्गत भी जो इसका हिस्सा आ जाता है। ठीक है, राला मंडल की अगर बात करें तो जीवाश्म के अंदर आता है, काना केसली बात करें तो वो काना केसली मंडला के अंतर्गत आता है। तो ये कुछ ऐसे अभ्यारण है जिनका कुछ हिस्सा आपको राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में मिलेगा। दोस्तों फटाफट तैयार हो जाओ, 5:30 बजे एक और हमारा सेशन है। ठीक है, ये पीडीएफ तो आज रात तक अवेलेबल कराऊंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है, फ्री क्लास है ये, कोई पैसे नहीं देने आपको इस क्लास के, टोटल फ्री क्लास है आपको। तो दोस्त आज का टॉपिक है प्रमुख नदी बांधे और जलप्रपात, ये आज हम करेंगे 5:30 बजे, इस क्लास को अटेंड करना है। कल का टॉपिक आपको मिलेगा कौन सा, हमारा यहाँ पे बहुउद्देशीय परियोजना, ये आपका किसका टॉपिक है, कल का टॉपिक है। तो इस तरह से एमसीक्यू सेशन भी डेली के डेली हो रहा है, परसों का टॉपिक और नर्सों का टॉपिक, तो प्लीज इस सेशन को मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। कल सुबह भी 11 बजे आपकी यूनिट 1 की क्लास होगी और शाम को फिर यूनिट 3 भी होगी। इस तरह से सिक्वेंस वाइज हम पूरा का पूरा चार्ट को कवर कर रहे हैं। सुबह 9 बजे एक सेशन लेता हूँ, वो है करंट अफेयर, इसमें जरूर आया करो। आज हमने अप्रैल तक का करंट अफेयर पढ़ा है, कल हम मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो सिक्वेंस वाइज मैं आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। कोशिश है मेरी कि कल से मैं आपको 1 बजे मध्य प्रदेश के एमसीक्यूज भी करा दूँ। तो 3 एमसीक्यूज की क्लास हो जाएंगी सुबह 5:30 बजे और 1 बजे 2 यूट्यूब की क्लास हो जाएंगी। तो जरूर जुड़िएगा दोस्त हमारी इन क्लासेस से। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें, यूज कोड ADYT, जो 10% का डिस्काउंट आपके लिए अवेलेबल कराएगा किसी भी सब्सक्रिप्शन। मैं आपसे हमेशा कहूंगा 1 साल या 2 साल का ही सब्सक्रिप्शन लीजिए, इसमें आपका सिलेक्शन सिक्योर होगा और मेंटरशिप भी आपको मेरी प्रोवाइड की जाएगी। ऑलरेडी एक सिलेक्टेड मेंटर से आप पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा नहीं है कुंजन सोनी जी। ठीक है, प्रतिभा को कभी भी कोई भी पैसा नहीं दबा सकता। ठीक है, प्रतिभा को कभी भी कोई नहीं दबा सकता। अगर आप में लगन है, आप परिश्रम है, आप सभी लोग सफिन हसन को देखिए, सफिन हसन जो अभी यंगेस्ट IPS बने हैं, ठीक है सर, 22 उनकी एज है। उनकी जो माँ थी वो मेड का काम करती थी दूसरों के घर जा, ऐसा शायद उनके कुछ वीडियोस में उनका तो सुना हुआ है। ठीक है, इस तरह के उनकी मतलब बहुत ही निचले लेवल से उठे,
अगर वो अपने दिमाग में सोच लेते कि यूपीएससी जैसे एग्जाम को हम कभी दे नहीं सकते, तो शायद नहीं होता। ये हमारी सोच है, हमारी ही जीवन की ये उपज है, ठीक है। तो अगर आप लोग ऐसा सोचोगे तो हमेशा डिमोटिवेट ही रहोगे। खुद को हमेशा मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। उदिता जी है, बिल्कुल है। प्लीज़ सुषमा जी आप लिंक शेयर कर दीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ, कोई भी डाउट है तो आप लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, तब तक मुलाकात होती है हमारी नेक्स्ट सेशन, तब तक ख्याल रखिए अपना। बाय बाय, 5:30 बजे आधे घंटे बाद मुलाकात होती है।